पिछले बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में चर्चा की गई, अब इसके कार्य क्या हैं इसके बारे में चर्चा करना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वह माध्यम है जिसमें मनुष्य ध्वनि को विद्युत में परिवर्तन कर रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट के माध्यम से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। इसके कार्य के बारे में बताया गया कि पहला कार्य सूचना प्रदान करना। आज मनुष्य इतना व्यस्त है कि उसे रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश और विदेश की सूचना को मानव तक पहुंचाता है। दूसरा कार्य जागरूकता प्रदान करना। भारतवर्ष में अभी भी शिक्षा का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। गाँव में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से टेलीविज़न देखकर मनुष्य बहुत बातों की जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे स्वच्छता का अभियान के बारे में जानकर इसे समाज में लागू करते हैं, दहेज के बारे में जानकर समाज पर लागू करना, नारी की क्या समस्याएं हैं आज टीवी के माध्यम से उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है सीखते हैं। तीसरा, मनोरंजन प्रदान करना। आज मनुष्य इतना व्यस्त है अपने कामों को लेकर कि जब वह अपने घर लौटता है तो उसे मनोरंजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक मनोरंजन नहीं होगा तब तक उसमें नवीनता नहीं आएगी। इस तरह से टीवी के माध्यम से नृत्य संगीत को सुनकर देखकर नवीनता की भावना उत्पन्न होती है। चौथा, शिक्षा प्रदान करना। टेलीविज़न, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है कि इसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज इग्नू, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी टेलीविज़न के माध्यम से ज्ञान की बातों को प्रसारण करता है, और यह शहर में ही नहीं बल्कि गाँव में इसका प्रसारण होता है और विद्यार्थी इससे जुड़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह से कहा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। आज जिस तरह से विश्व महामारी से जूझ रहा है, देखा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है जिससे विद्यार्थियों को ज्ञान मिलता है। इस तरह से जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में कहा जाए उतना कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका अधिक प्रयोग करने से हमें ध्वनि प्रदूषण जैसे समस्याओं से
जूझना पड़ेगा। यही महत्वपूर्ण बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में कही गई। बहुत बहुत धन्यवाद।